हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे बर्जर एक्सटीरियर पेंट के बारे में, जो कि वेदर कोट लॉन्ग लाइफ 10। इस प्रोडक्ट के कंप्लीट डिटेल देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, इस प्रोडक्ट के कॉस्ट के बारे में एंड इसके पैकेजेस के बारे में एंड 1 लीटर का पेंट कितना स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट कितना एरिया कवर कर सकता है एंड कितने एप्लीकेशन करना चाहिए एंड इस पेंट को किस तरह अप्लाई करना चाहिए, इस पेंट की एप्लीकेशन मेथड भी बताएंगे एंड इस पेंट के जो स्पेशल फीचर्स हैं, यूनिक फीचर्स जो प्रोडक्ट में ऐड किए गए हैं, इन सारे डिटेल्स इस वीडियो में देने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। सो इस वीडियो को एंड तक देखें एंड पूरी जानकारी रखें इस प्रोडक्ट के बारे में। सो फ्रेंड्स, वेदर कोट लॉन्ग लाइफ 10 जो कि एक्सटीरियर पेंट है फ्रेंड्स, ये बर्जर पेंट है जिसका लग्जरी एक्सटीरियर एमल्शन पेंट कह सकते हैं एंड इस चीज़ में एडिशनल प्रॉपर्टीज़ जो है पीयू का मतलब होता है पॉलीयुरेथेन बेस्ड प्रोडक्ट है ये, जो कि एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइफ कह सकते हैं। इसके लिए बर्जर ने 10 ईयर्स का वारंटी देता है इस पेंट को। सो इसकी कॉस्ट के बारे में देखते हैं तो फ्रेंड्स, 375 to 380 rupees per लीटर का रेंज है एंड इसकी कवरेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर कवरेज की बात करेंगे तो फ्रेंड्स 6.5 to 7 स्क्वायर मीटर पर लीटर 2 कोट्स अप्लाई कर सकते हैं। सो इतना एरिया आप कवर कर सकते हैं 1 लीटर के पेंट में एंड फ्रेंड्स कवरेज स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 70 to 75 स्क्वायर फीट पर लीटर का एरिया कवर कर सकते हैं ये 2 एप्लीकेशंस में, यानी 2 कोट अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ के देखेंगे तो फ्रेंड्स, ये एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल मटेरियल कह सकते हैं जो कि बेस्ट इन क्लास है। डर्ट रिपेलेंट प्रॉपर्टीज़, एक्सलेंट डर्ट पिकअप रेसिस्टेंस, जितने भी डर्ट एक्टिविटीज़ या जो भी मैल लगता है फ्रेंड्स पेंट पे उसको इजीली क्लीन कर सकते हैं, यानी इजीली वॉशेबल कह सकते हैं ये। वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज़, सिलिकॉन एनहांस्ड, इसका मतलब होता है वाटर रिपेलेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स वाटर इजीली पेनिट्रेट नहीं होता, मतलब जो एक्सटीरियर सरफेस पे अगर बारिश हो जाएंगे तो पानी जो लीक होने के चांसेस जो होते हैं दीवार में से, सो उस चीज़ को भी बचा रखता है, जैसे कि पेंट जो है सिलिकॉन की तरह काम करता है एंड वाटर को पेनिट्रेट होने से बचाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स फिनिश, ये प्रोडक्ट की फिनिशिंग जो है बेस्ट इन क्लास पीयू एनहांस्ड, पीयू का मतलब होता है पॉलीयुरेथेन, जो कि पॉलीयुरेथेन का फिनिश एकदम स्मूथ फिनिश होता है फ्रेंड्स, जैसे आप देखेंगे वुड पे भी जो पीयू फिनिशिंग करते हैं पॉलिश करते हैं, सो उसकी जो फिनिशिंग होती है एकदम स्मूथ फिनिश कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स वारंटी, बर्जर ने इस प्रोडक्ट की 10 ईयर्स की वारंटी देती है, परफॉर्मेंस वारंटी कह सकते हैं इस चीज़ को। एंड यूनिक प्रॉपर्टीज़ इस प्रोडक्ट में जो ऐड किए गए हैं, जो कि एक्सेलेंट वाटर रेसिस्टेंट हाई शीन मटेरियल जैसे हम बताए आपको। एंड नेक्स्ट यूनिक प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स ट्रू शेड नेवर फेड्स, यानी इस पेंट की जो कलर फेडिंग की बात करेंगे तो फ्रेंड्स ये 10 ईयर्स की वारंटी है इस चीज़ की मैन्युफैक्चरर की तरफ से, यानी 10 ईयर्स तक आप कोई भी पेंट इस पर डबल कोट लगाने की ज़रूरी नहीं है। एंड डिजाइन फॉर हैवी रेनफॉल एरियाज एंड प्रोवाइड्स एक्सेलेंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सट्रीम रेन एंड एक्सटीरियर वॉल इश्यूज़, यानी फ्रेंड्स जो भी वेदर कंडीशन एरियाज होते हैं, जैसे कि हिल एरियाज होते हैं जहाँ पे बारिश की ज़्यादा तादाद होती है, सो ऐसे एरियाज पे भी इस पेंट को आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी इस तरह के एक्सेलेंट प्रॉपर्टीज़ इस मटेरियल में ऐड किए गए हैं जिसकी वजह से ये हैवी रेनफॉल एरियाज में भी अप्लीकेबल कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स कलर शेड्स की बात करेंगे तो मोर देन 2000 शेड्स अवेलेबल है इस प्रोडक्ट में एंड फिनिश ऑफ पेंट जो कि हाई शीन फिनिश कह सकते हैं। एंड इसके पैकेजेस मतलब कितने लीटर्स में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर्स एंड 20 लीटर्स के पैकेजेस में अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स अभी मटेरियल के डिस्क्रिप्शन सारे चीज़ें देख लिए, कॉस्ट के बारे में अप्लीकेबल कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और कितना एरिया कवर करता है इन सारे चीज़ें देख लिए, सो अभी देखते हैं कि इस पेंट को किस तरह अप्लाई करना चाहिए एंड अप्लाई करने के टाइम पे किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स फर्स्ट स्टेप होगा सरफेस प्रिपरेशन, जो भी प्लास्टर की दीवार होती है अस्तरकारी की दीवार होती है उस पर सरफेस प्रिपरेशन करना चाहिए, मतलब सैंडिंग करना चाहिए एंड उसको पूरी तरह से क्यूरिंग करना चाहिए एंड देखना चाहिए कि सरफेस वेट नहीं होना चाहिए, मतलब गीला नहीं होना चाहिए। सो उसके बाद अब सेकेंड स्टेप में आप अप्लाई करेंगे प्राइमर, जो कि वेदर कोट एक्सटीरियर प्राइमर होता है उसको अप्लाई करना चाहिए फ्रेंड्स। एंड उसके बाद अब थर्ड स्टेप में करेंगे पुट्टी एप्लीकेशन एंड मैन्युफैक्चरर रिकमेंड करते हैं कि बाइसॉन वॉल पुट्टी अप्लाई करना चाहिए एंड इस पुट्टी को अप्लाई करने के टाइम पे उसका मैन्युफैक्चरर डाटा शीट चेक करना चाहिए फ्रेंड्स किस तरह इसको अप्लाई करना चाहिए। एंड जनरल मेथड में होता है 4 to 6 आवर्स का इंटरवल गैप देना चाहिए एवरी कोट के बीच में। फाइनल स्टेप आप अप्लाई करेंगे 2 to 3 कोट्स ऑफ टॉप कोट जो कि वेदर कोट लॉन्ग लाइफ 10, जो कि फ्रेंड्स
हर कोट के बीच में आप मिनिमम 4 to 6 आवर्स का इंटरवल टाइम देना चाहिए ताकि अच्छी तरह से पेंट ड्राई हो एंड बॉन्डिंग कैपेसिटी बन सके। एंड ये वाटर डिल्यूशन की अगर बात करेंगे तो फ्रेंड्स, आप लाइट कलर का पेंट कर रहे हैं तो उसको 40% ऑफ वॉल्यूम का वाटर डिल्यूशन कर सकते हैं पेंट में, लेकिन अगर आप डार्क शेड अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप 0 to 10% ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर ही मिक्स कर सकते हैं पेंट में, ताकि डार्क शेड्स जो होते हैं वो उसी तरह बने रहे। एंड इस पेंट के एप्लीकेशन मेथड की बात करेंगे तो फ्रेंड्स, ब्रश, रोलर या स्प्रे मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट नोट है कि पेंट अप्लाई करने से पहले सरफेस चेक करना चाहिए। जो भी प्लास्टर सरफेस पे आप पेंट अप्लाई कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो सरफेस वेट नहीं होना चाहिए, मतलब कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए। एंड पेंट अप्लाई करने से पहले आप पेंट को सही तरह से मिक्सिंग करना चाहिए, शेकिंग करना चाहिए, उसके बाद ही पेंट को अप्लाई करना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, एक और बात भी ध्यान में रखना चाहिए, इस पेंट में वाटर मिक्सिंग करने के बाद, थिनिंग करने के बाद विद इन 24 आवर्स इस पेंट को अप्लाई कर देना चाहिए।